हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलाफी। आज हम लोग जो है आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। भारत के समुद्र के मार्गों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना आरंभ हुआ। हालांकि यूरोपीय भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए, पर इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण भारत ही था। 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों ने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी बनाई वो कोचीन में खोली थी। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डहस्तमान था। डचों को भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्री तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स सेकंड का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई प्रांत प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने पौंड के किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन गांव सुतानुती कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान पर प्राप्त की और यहां पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। कालांतर में यही कलकत्ता मतलब कि कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरों के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुए ए ला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई और उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गो डेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ ही युद्ध विराम हुआ। और कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था वो 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच में हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में था। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो ये रहा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब कंपनियों का आगमन और उनके स्थापना वर्ष भी देख लेते हैं। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना 1649 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।